पंच केदारों में सबसे ऊंचाई वाले भूभाग में विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह 11:30 बजे वेद ऋचाओं और विधि विधान से भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं इस बार तुंगनाथ धाम में क्षमता से अधिक तीर्थयात्रियों के पहुंचने से नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इससे पूर्व तुंगनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 10,000 तक सिमट कर रह जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। जानकारी देते हुए मंदिर समिति सदस्य श्रीनिवास पोस्ती ने बताया, गढ़वाल तुंग नाथ के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से रवाना होगी। इसके साथ विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीष देते हुए और स्वयं मखमली बुग्यालों में नृत्य करते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए चौपता पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि 8 नवम्बर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली बनियाकुंड दुगलबिट्टा मक्कूबेंड होते हुए हूँ और वनातोली पहुंचेगी, जहां पर ग्रामीणों द्वारा भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को अर्घ अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की जाएगी और भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए भानकुंड पहुंचेगी। इसके बाद 9 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी के लिए मक्कू मठ में विराजमान होगी और 10 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकाल पूजा मक्कू मठ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगी, जिसके बाद तो शीतकाल में श्रद्धालु यहीं भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर सकेंगे। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट।